Hello students, now we are going to start with new topic and the topic is complex numbers. Now this topic is related with the numbers that we have studied up till in class 10th, but it is an extended version of that. Up till class 10th, what we have studied various types of numbers, numbers like whole numbers, numbers like natural numbers, numbers like integers, right? Rational numbers, irrational numbers, all such numbers used to come under the category of real numbers. All such numbers comes under the category of real numbers. That was up till the syllabus of class 10. Ab iske aage kya hai? Numbers mein aur kya hai? Now, as I said, real numbers tak humne padha hua hai. Now, we are going to talk about non-real numbers. Non-real numbers. अगर आपको स्ट्राइक करता हो नॉन रियल नंबर जैसा वर्ड आपने सुना हुआ है, टेंथ क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वहां पे आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव तो आप डिस्प्ले कर देते थे रूट्स आर नॉन रियल, राइट? कुछ याद आया होगा आपको कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे और रूट को देते थे नॉन रियल, तो यानी कि नॉन रियल रूट्स या नॉन रियल नंबर्स। और नॉर्मल में इस केस में से एक्स के लिए कैसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होल डिवाइडेड बाय 2a, बट क्योंकि d लेस देन 0 था तो हम बस इतनी डिक्लेरेशन कर देते थे कि इस केस में रूट नॉन रियल होते थे। तो नॉन रियल नंबर हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, बट वर्ड इसके एग्जैक्ट मीनिंग्स मतलब क्या होते हैं नॉन रियल नंबर्स में, अब हम उन पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सो यानी कि 10th क्लास से ऑनवर्ड्स नंबर्स के बारे में नॉन रियल नंबर्स। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू वी मीन बाय नॉन रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर्स इंक्लूड्स नंबर्स लाइक इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड नंबर्स, एज वेल एज इट इंक्लूड्स numbers which results after taking under root of negative numbers. Under root of negative numbers are also called as non-real numbers. Under root of negative numbers are also called as non-real numbers. तो ये तो हमें पता है इन्फिनिटीज का क्या बात है, जब एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो आता है, तो हमारी अब ये चैप्टर है इसी पे हमने एक्सटेंडेड में पढ़ना है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर से मतलब क्या बना, अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव, अंडर रूट ऑफ माइनस सेवन, इस टाइप के नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, और ये नंबर्स नॉन रियल नंबर्स हैं। नॉन रियल नंबर्स का नेदर नेम हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। So non-real number have another name that is called as imaginary numbers. So non-real numbers में कौन से numbers और आते हैं? Under root के अंदर negative numbers, जैसे मैंने example लिखा under root of minus five, under root of minus seven, ये non-real numbers हैं। अब further हमने क्या किया है कि इसमें आगे चलने के लिए, ये तो examples होगी इसके, right? Under root of negative numbers के। फिर क्या हुआ कि इस चैप्टर में आगे जाने से पहले हमने ना कुछ स्टैंडर्ड सेटअप किया हुआ है, और वो स्टैंडर्ड जो है वो रिप्रेजेंटेशन है अंडर रूट ऑफ माइनस वन की। अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस वन आएगा तो उसकी वैल्यू जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, एंड दिस सिंबल इज रेड एज आयोटा। आयोटा तो आयोटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। किस लिए यूज किया जाएगा, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और आयोटा की खुद की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अब मैंने ये कहा कि किस लिए यूज किया जाएगा, अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए। कैसे प्रेजेंटेशन देने के लिए, चलिए ये एग्जाम्पल हमारे पास था अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव, मैं इसको आयोटा की टर्म में लिखना चाहता हूं, तो इट कैन बी रिटन एज फर्स्ट थिंग माइनस वन इंटू फाइव विच इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू रूट ऑफ फाइव, एंड वॉट इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन, अंडर रूट ऑफ माइनस वन कितना होता है, अभी हमने डिस्कस किया आयोटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रूट फाइव। इट मीन्स वॉट,
and root of minus 5 is what we have iota root 5. Similarly, सोचिए अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो अंडर रूट ऑफ माइनस 7 तो हाउ वुड वी रिप्रेजेंट, वी वुड लाइक टू राइट इन दिस फॉर्मेट. नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इनटू अंडर रूट ऑफ 7 व्हिच इज सेम एज आयोटा रूट 7. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस वे से हम अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं उनको एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं और वो कैसे है जरा ऑब्जर्व किया होगा आपने तो अंडर रूट ऑफ माइनस 5 इज आयोटा रूट 5, अंडर रूट ऑफ माइनस 7 इज आयोटा रूट 7. तो इन अ सिमिलर मैनर आई कैन से दैट डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ माइनस 3 वुड बी आयोटा रूट 3, राइट. सो सबसे पहले आयोटा क्या है, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 किस लिए यूज किया गया है, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके थ्रू हम सारे नंबर्स जिनको अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव हैं उनको एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ आयोटा. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा कैसे है जरा इस चीज को समझते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1, ये तो वैल्यू ही ऐसी है. नेक्स्ट थिंग ये लॉजिकल कन्वर्जन है सर और उसको हम रिजल्ट की तरीके से याद भी रख सकते हैं. इफ आयोटा इज अंडर रूट ऑफ माइनस 1 देन आयोटा स्केयर वुड बी माइनस 1, देन आयोटा स्केयर वुड बी माइनस 1. नाउ व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई से आयोटा कुछ पावर नहीं स्पेसिफाई की तो इट मींस इट्स पावर वुड बी टेकन एज 1, आयोटा पावर 1. सो आयोटा इज अंडर रूट ऑफ माइनस 1, आयोटा स्केयर माइनस 1 होगा तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब. आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज 2 प्लस 1 व्हिच कैन फर्दर बी रिप्रेजेंटेड एज आयोटा स्केयर इनटू आयोटा पावर 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्केयर, माइनस 1. सो माइनस 1 इनटू आयोटा वुड बी माइनस ऑफ आयोटा. तो ये आ गई आयोटा क्यूब की वैल्यू विच इज माइनस ऑफ आयोटा. सिमिलरली इसी तरीके से हम वैल्यूज बना सकते हैं, जैसे मैंने आयोटा किया, आयोटा स्केयर किया, आयोटा क्यूब किया, अब आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 2 प्लस 2 विच इज आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्केयर, माइनस 1. So it would be minus 1 into 1. Minus 1 into minus 1 would be what? 1. So ye aage mere paas iota power 4 ki representation. In a similar manner, hum iota square, iota cube, iota 4, iota 5, iota 6 kuch bhi develop kar sakte hain. Ab, kyunki hum complex number mein iota se hi deal karne wale hain, to hum ye recommend bhi karne lag jate hain ki ye kuch basic values to aap aise hi yaad rakh lijiye. So that जैसी क्वेश्चन के बीच में है तो यू कैन गो विद द डायरेक्ट कन्वर्जन कि आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा. रिमेंबर दिस, आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1. इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट इज 1 अपॉन आयोटा. 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 अपॉन आयोटा है, पॉइंट इज आयोटा इन द डिनोमिनेटर, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग इट. सो इफ आई रैशनलाइज इट it become iota upon iota square. What is the value of iota square? Value of iota square, हमने क्या की है, minus 1, तो यह iota upon minus 1, which makes it as minus iota. तो यह आगे next value, that is 1 upon iota की value, which is minus of iota. So, these are the very standard or you can say basic values of iota, जो आपको याद होने चाहिए. Please, do remember these things, right? अब इसके next क्या आता है हमारे पास, हमने कहा iota के बारे में, अब बात करेंगे हम कि iota की properties पढ़ी, अब बात करेंगे कि complex number कैसे कहते हैं, जिसके बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं discussion की. Now, कुछ और चीजों को पहले समझने से लिए, पहले कि इसको भी समझ के देखते हैं, under root of minus 4. As I said, अंडर रूट ऑफ माइनस 4 इज रूट 4 इंटू आयोटा, रूट 4 2 होता है तो इट कैन बी रिटन एज दिस. नाउ जरा इस चीज को समझिए, वी आई हैव डिक्लेयर्ड दैट अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ
इमेजिनरी नंबर हुआ, और इन अ सिंपल थिंग्स हम ये बोल सकते हैं कि आयोटा क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है, तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, तो जब वो एक रियल नंबर से, टू तो एक रियल नंबर होता था, तो जब रियल नंबर इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर एक इमेजिनरी नंबर होगा। इसका मतलब ये बना कि टू आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, तो थ्री आयोटा, फोर आयोटा, -25 आयोटा, ये सारे नंबर्स कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? इमेजिनरी नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। नाउ हमने कहा कि ये भी हमारे इमेजिनरी नंबर्स हो गए। अब पॉइंट वहीं पर मैं लेकर आ रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्मेट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। मीन्स व्हाट? टू इज अ रियल नंबर, वी हैव स्टडीड। टू आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, ये भी हमने डिस्कस किया। एक ऐसा नंबर जो उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बनेगा वो एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो मतलब क्या बना, थोड़ा और समझ के देखते हैं। थ्री इज अ रियल नंबर, फोर आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो नंबर बना दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ अगर आप समझ रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्मेट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल एंड इमेजिनरी नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्मेट में जो नंबर बन के आते हैं दैट सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्या एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, 2+25 आयोटा, 2-30 आयोटा, ये सारे एग्जांपल्स हैं। किस चीज के हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। अब फर्दर इसका मतलब ये बना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मल वैसे सिंबल है जेड जो हम यूज करेंगे, ए प्लस बी आयोटा या आयोटा बी की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यानी कि जब नंबर इस फॉर्मेट में लिखा जाता है तो हम कह रहे हैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें ए को हम बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड रिप्रेजेंटेड एज आर ई डॉट जेड, और समटाइम स्मॉल पार्ट में भी आर ई डॉट जेड, एंड बी इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट दैट इज I am dot set. Means, जब हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जिसकी हमने कहा कि ये एक प्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आप सारे ऊपर जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हो, इसी फॉर्मेट में लिखे गए। तो जब इस तरीके से नंबर को लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए क्या कहलाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का? रियल पार्ट ऑफ जेड, दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली बी क्या कहलाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का? इमेजिनरी पार्ट। तो ए इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड बी इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ ये जो हमने लिखी है दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम इस वे से ही प्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहा हमने, यानी कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेशन के जो नंबर्स हैं तो जो भी इस फॉर्मेट में लिखे जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर। 100+200 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और ये सारे एग्जांपल्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन में अब बात आएगी इनके अलजेब्रा के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिविजन करते हैं, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाने वाली है। अब वो स्टार्ट करने से पहले अभी एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आता है कि आप आयोटा के बारे में, क्योंकि वहां पे जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो कुछ चीजें आने वाली हैं, तो बेटर ये है हम पहले इन चीजों को समझने से पहले ये कुछ काम कर लें, इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएशन करनी है? आयोटास की पावर्स के बारे में। मींस व्हाट? सपोज मेरे से क्वेश्चन आ जाता है कि आयोटा पावर 7 इवैल्यूएट करो। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, 1 बाय आयोटा, इनकी वैल्यूज बताई थी और वो हमने डिराइव भी की थी। वैसे ही वैसे हम यहाँ पे भी डिराइव कर सकते हैं कि आयोटा पावर 7 अगर मेरे से पूछिएगा तो कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने उन मैथड को समझा होगा तो
तो वहां से वो समझ सकते थे कि मैंने कैसे एक्सप्रेशन बनाई थी। बट एक्चुअल में इसको और फास्ट करने का मेथड ये है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन है, जैसे आटा पावर 7 है, तो फास्टेस्ट वे इज कि आप पावर को 4 से डिवाइड कर दें। पावर को 4 से डिवाइड करें तो इट कैन बी रिटन एज 4 × 1 + 3। वाई, ये कैसे लिखा हमने? आई होप सबको याद होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे? 7, और डिवाइजर क्या है यहाँ पे? 4। मैंने कहा जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दे, तो आपने ऐसे लिखा। फर्दर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा, 4 × 1, ये तो चलो ठीक है। अब सोचिए कि पावर प्लस कब होती थी? पावर प्लस तब होती थी जब एक्चुअली नंबर्स क्या होते थे? मल्टीप्लाई। जब एक्चुअली नंबर्स क्या होते थे? मल्टीप्लाई। अब फर्दर आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे, मैंने आपसे कहा था कि आयोटा पावर 4 की वैल्यू आपने याद रखनी है, और आयोटा क्यूब की, आयोटा क्यूब तो है माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 कितना होता है? 1। 1 की पावर यहाँ पे 1 है, बट अगर 1 के अलावा भी कुछ हो जाता तब भी 1 ही रहना था नेट आंसर, तो 1 × −i। आंसर इज −i। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो ये होंगे कि आयोटा की पावर्स की इवैल्यूएशन करके बताओ, कि आयोटा की पावर दिया हुआ नंबर तो उसको वैल्यूएट करो। 1 is iota 7। और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल इस तरीके से कुछ भी फ्रेम किया जा सकते हैं। सपोज और ये आपसे ये पूछ ले जाए आयोटा पावर 99 बताओ, तब भी क्या करना है? आप सेम प्रोसीजर को समझ चुके हो तो 4 से डिवाइड करो, 4 × 24 + 3। अब प्रेजेंटेशन क्या आएगी? पावर प्लस कब कब होती है? जब एक्चुअली नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो आयोटा क्यूब एंड आयोटा की पावर 4 × 24। 4 × 24 के प्रेजेंटेशन में ऐसे भी लिख सकता हूं। आयोटा पावर 4 कितना होता है? 1। 1 की पावर कुछ भी कर लोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। आयोटा क्यूब कितना होता है? −iota। आंसर इज −iota। अब आप शायद ये समझ रहे होंगे कि मैंने इन दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको हर बार 4 से डिवाइड क्यों करवाया। Why? क्योंकि आयोटा पावर 4 1 है, और फर्दर 1 की पावर कुछ भी आ जाए तो आंसर तो 1 ही है, तो वहां पे कैलकुलेशन अपने आप ही खत्म हो जाती है। सिर्फ ये जो रिमाइंडर वाले पार्ट है उसकी कैलकुलेशन रह जाती है, तो उसमें हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि आयोटा में बड़ी पावर्स आएंगी तो आसान मेथड क्या? 4 से डिवाइड करो और क्विकली आंसर लाने शुरू हो जाते हैं। ओके, ये था जैसे मैंने कहा कि आयोटा की पावर्स के बारे में बात। अब बात करेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब उस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वेरियस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसको मैं एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ, वो ज्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं। सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 3 + 4 आएगा, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 4 − 3 आएगा, और मेरे से अगर पूछ लिया जाए कि z1 + z2 बताओ, यानी कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन बताओ, तो बात बड़ी सिंपल है। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल में रियल और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट −3 है। तो मैंने कहा कि एडिशन करनी है, तो आपने क्या करना है? 3 + 4 रियल में रियल, सिमिलरली 4 iota एंड −3 iota, इनको लो। 7 4 iota −3 iota इज आयोटा, आंसर आ गया। सो दिस इज वी हैव एडिशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। में से इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन पूछी जाती है तो क्या करना था? तब भी कोई स्पेशल रूल नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर। मींस व्हाट? 3 में से 4 माइनस किया, 4 iota −3 iota। 3 − 4 − 1, ये क्या आएगा? −−, प्लस 4 iota +3 iota, सो इट मेक्स व्हाट? −1 +7 iota, ये आ गया आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब लेट सपोज आपसे मल्टीप्लीकेशन पूछ करके,
वो कैसे करना है? अगेन नो नथिंग स्पेशल, जो आप नॉर्मल सोचते हैं उसी तरीके से कि यार अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले 3 को दोनों से, फिर 4 आएगा तो दोनों से। फर्स्टली 3 को दोनों से लिखा और 4 आएगा को भी दोनों से, प्रेजेंटेशन प्रोसेस फॉलो करता हूं। 3 4 12 -9, 4 आएगा इंटू 4 16 आएगा, -12 नाउ इट इज 12, 16 आयोटा माइनस 9 आयोटा इज एक्चुअली 7 आयोटा। आयोटा स्केल कितना होता है? -1। आयोटा स्केल क्योंकि -1 है तो प्रेजेंटेशन क्या बन के आएगी, 12 प्लस 7 आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12, तो दैट मेक्स व्हाट 24 प्लस 7 आयोटा, तो ये क्या आ गई हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स। तो समझने की कोशिश करिए कि क्या है, एडिशन करनी है तो भी क्या करना है, सिंपल प्रोसेस। रियल में रियल मैच, रियल में मैच रियल, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन में सबको सबसे मल्टीप्लाई कर लिया। यस, जो बीच में वैल्यूज आए देखिए जरा ध्यान से, आल्टा स्केल की वैल्यू क्या आई, -1, मैंने कहा था स्टार्टिंग में वो वैल्यूज आपको याद रखनी है, आल्टा स्केल की वैल्यू क्या होती है, -1। फाइनली एक और मेजर पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप कोई भी ऑपरेशन लगाए, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, आपकी टारगेट ये रहेगा कि आपका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ए प्लस आयोटा बी। इसका मीनिंग क्या है कि रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, ये आपकी प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। तो वही यहाँ पे था जब हमने कंबाइन करके जो फाइनल आंसर लिखा, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की टर्म में हम इसको मार्क करते हैं। सो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। सपोज इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि Z1 अपॉन Z2 बताना है, 3 प्लस आयोटा अपॉन लेट सपोज 3 माइनस आयोटा बताना है। सो अब इस केस में क्या करना है, देखिए मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई भी ऑपरेशन आए तो आंसर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ए प्लस आयोटा बी। अगर कोई सोचे कि यार जब ये एडिशन कर रहे थे तो आप सिंपल ऐसे भी तो लिख सकते थे, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा, आप सिंपल ऐसे लिख के छोड़ सकते थे। बट नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब था कि एक बार रियल पार्ट सारे इकट्ठे हुए हो, ये नहीं कि सेपरेट सेपरेट करके लिखे, वैसे इमेजिनरी पार्ट भी, तो दैट्स व्हाई हमने एडिशन करके बना के लिखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आई। समझ सब्ट्रैक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आई, समझ मल्टीप्लीकेशन का फाइनल आंसर भी हमारी कोशिश रहेगी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। सेम प्रोसेस यहां पर हमसे भी, यहां पर भी एक्सपेक्टेशन रहेगी जब हमसे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाए तो आपने क्या करना है, तो भी उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग नहीं। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, सिंप्लीफाई से क्या मतलब रहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर लिखें, ये नहीं कि आयटा की वैल्यू डालनी है। ध्यान से देखिए इन आंसर्स में मैंने कहीं पर भी आयटा की वैल्यू नहीं डाली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ए प्लस आयोटा बी है, आयोटा की वैल्यू नहीं डाल देना। अब जैसे यहां पे तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये समझ में आता है कि डिनोमिनेटर में मुझे 3 माइनस आयोटा नहीं चाहिए था, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए था, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो रैशनाइज, रैशनाइज के लिए हमने क्या किया, 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो अब न्यूमरेटर क्या बन गया, 3 प्लस आयोटा का, डिनोमिनेटर क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर न्यूमरेटर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ए, डिनोमिनेटर इज 3 स्क्वायर इज 9, आयटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो इट बिकम व्हाट, 9 माइनस 1 प्लस 6 आयटा डिवाइडेड बाय 10। 9 माइनस 1 कितना आया, 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ये बन के आया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को, 8 प्लस 6 आयोटा बाय 10। अब क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आंसर को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखें, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बन के आएगी, 8 बाय 10 प्लस 6 आयोटा बाय 10, 8 बाय 10 प्लस 6 आयोटा बाय 10।
8 by 10 can be written as 4 by 5. 6 iota can be written as 3 iota by 5. साइन फॉर्म ये थी, बट हमें ये बेसिक चीजें बातें ये तो पता है ना, कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हैं, तो ये आ गई आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपका एक बड़ा आंसर। सो इसी तरीके से आपके पास एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए, उन क्वेश्चन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको बस यही सारे प्रोसीजर फॉलो करने कि उनको एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म बना के दिखानी है। सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अलग अलग सेपरेट नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, कंबाइन करो, एडिशन हो रही तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो रही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन, जो भी हो रहा है उसको फाइनल एक सिंगल आंसर में रिप्रेजेंट करना, दैट इज मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। सो नाउ बाय गेटिंग ऑल दिस नॉलेज, नाउ यू आर एबल टू डू 1 to 10 questions of first exercise of NCERT. So now you can do it.